आप के तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तकल्लुफ नहीं है, आखिर तुम मेरी बहन हो। आप जब भी आती हैं इतना कुछ ले आती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भी कैसी बातें कर रही हो ज्यादा? क्यों अच्छा नहीं लगता? बाहिसियत बड़ी बहन, ये मेरा फर्ज बनता है। और फिर मैं तुम्हारी सिर्फ बहन ही तो नहीं हूं, माँ भी तो हूं। आप तो मेरा सब कुछ है। आप भी बातें होती रहेंगी, मैं चाय बना कर आती हूँ। नहीं 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 मैं आज चाय पीने नहीं आई, बस मैं ये फल देने आई थी और बस तुम्हारा खड़े खड़े हाल पूछने आई थी। क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो? मैं जानती हूं तुम खुश नहीं हो, लेकिन देखना ये बच्चा ना तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की नवीद बनकर आएगा। कैसी खुशियां आप भी? रिजवान ने तो उस बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? रिजवान को ये बच्चा नहीं चाहिए। रिजवान ने शादी की पहली रात ही बोल दिया था कि उसे बच्चों का शौक नहीं है और ना ही वो बच्चा अफोर्ड कर सकता है। रिजवान ने मुझे धमकी दी है कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो उसका सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। रिजवान इस बच्चे की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कैसे हम है ना? बस बस मजबूर।